सभी को तो मेरी कहानी जरूर पसंद आएगी, काश उसे भी आ जाए। वैसे मैं तो यहाँ मेरी जीवनी सुनाने आया था, सोचा मेरी कहानी सुना दूंगा। तो मारा नाम है आदित्य, आदित्य अग्रवाल। जी हाँ, बनिए हैं हम। एक बात मैं सभी को क्लियर कर दूं, कि बनिया कोई कास्ट या कम्युनिटी नहीं है, बनिया स्किल है। स्किल ये आप लोगों को जो एमबीए एमबीए करने का जरूरत पड़ता है ना, हमें नहीं पड़ता, हमारे खून में एमबीए है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, बनिया कोई कास्ट या कम्युनिटी नहीं है, बनिया स्किल। बनिया क्या है? स्किल। बनिया स्किल है। और हम आते हैं जोधपुर से। अरे जोधपुर का तो स्वाद ही अलग है। एक लाइन में आपको जोधपुर के बारे में बताना चाहूं तो जोधपुर, जोधपुर का घंटा और जोधपुर का खाओ घंटा दो ही चीज फेमस है सर। घंटा था पत्थर, इस हमारे राजाओं ने किले और फोर्ट बनाए, और खाओ घंटा हमारे जैसे लोग तो खाना खाते नहीं है, खाना ठूसते हैं। एक सैंपल दिखो आप सभी को। अरे भूसा, एक नमकीन कचौरी। अरे लाटा, इतना साल पचे आया ये कचरी होते ही रहता तो हमारी मिठाई था। और थे तो वे शहर राशि हो गया हो, तो अगर थे ब्रोजोन हो तो रस मलाई खा, और अगर थे फ्रेंड जोन हो तो रस मसूरी खा, और अगर थे कंफ्यूजन वाले जोन हो तो मारो लाड पड़ियो तो लाडू खा। अरे बुरसा, आप इस मीठी बोली के पीछे मिठाई फीकी लगी। तो ये तो हुआ हमारा खान पान। इससे सबसे प्यारी और मीठी है हमारी भाषा, मारवाड़ी भाषा। आप सबने सैंपल तो देख ही लिया है। खैर मैं तो यहाँ मेरी जीवनी सुनाने आया था, तो सुनाता हूँ कुछ अलग अंदाज में बाबू मुस्कान। वो कहते ना, चलते हैं बैक इन टाइम। ओ, हमारे आईटी आप भी जितनी बड़ी तो नहीं है, मगर हमारे लिए काफी है। वो हमारे लिए हमारी आईटी इतनी सुहानी ना, क्या ही बताएं। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली, हरियाली वो फूल पत्ती वाली। अरे वो नहीं था, आप तो सोच रहे हैं क्योंकि छोटा है ना हमारा कैंपस। कैसे आप लोग कॉलेज लाइफ में तो लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर दिया। हमें तो एक एक किस्सा याद है। अरे वो चिपेल वाले ले लीजिए। अरे गाय सुताई की हमारी भाई आस्त की शाम सिखाए आपने को। अरे आपको क्यों उसे दिखाएंगे निशान। और उसको जो मिला वो लेके आया था, कोई जूता, कोई चप्पल, कोई डंडा, कोई लाठी, कोई सैनिटाइजर का स्टैंड, कोई बेल्ट। अरे यहाँ बेल्ट पहनने को नहीं, सुताई के लिए मिल जाता हूँ। फिर आया वो कोविड चिकनगुनिया का वायरस। समय आ गया था फिर से जाने का। नहीं जाना चाहते थे हम उन लोगों के बीच में। माता जी और पिताजी से तो मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर नहीं मिलना चाहते थे उस भय अंकल जी से, जो हर बात अपनी टांग हो जाते थे। हालांकि इससे पहले भी हम जा चुके हैं कोटा से, कुछ दसवीं में हमारे नंबर ज्यादा आ गए थे। तभी से पिताजी ने मन बना लिया कि हम तो इंजीनियरिंग करेंगे। शायद उस दिन भी वो भयंकर ताव जी आया था घर पे, उस तब पिताजी को पट्टी पढ़ा दिया। पिताजी का मूड चेंज हुआ और हमारे पास आए। और छोरा रिजल्ट तो बड़ा छोका आया था, आगे निकल सोची है। अरे पिताजी आज तो रिजल्ट आया, फिर साथ बैठी सभी बैठे। जहां तक मेरी बात आगे की तो कुकिंग और आर्ट से ही सोचा, मन लगता था। अरे छोरा मत तो खराब हो गया थारो कुकिंग कर रही। अरे छोरी है क्या? अरे इतना छोका नंबर आया है, इंजीनियरिंग करो।
कोटा में एडमिशन करा के भरो, जाओ और इंजीनियर बनो, कोई फन बट नहीं सुनो मैंने। और तू थोड़ा कम लाड लड़ा, लाड के लो ये छोरो। चाची चलिए, हमारी तो हाँ या ना की कदर ही नहीं थी, हम भी चले गए कोटा। दो साल तक हमसे मिलने ना आया, ना मिलने गए, फोन पे बात जरूर होता था। ऐसे ही वो एक दिन आ गया, जेई का दिन। अरे जेई का दिन आप सभी को तो याद ही होगा, हम अंदर में परीक्षा देके बाहर आए तो तुलसी के बहुत है, हेलो हेलो हेलो, उठा नहीं रहा था फोन, देखा तो नीचे मैसेज का, अति चली गई। बस नहीं लगेगी, एक चीज बचेगी आगे में।